कक्षा सात विषय हिंदी मुख्य पाठ पुस्तक हिंदी पाठमाला पाठ दस मेरी प्यारी हिंदी कविता है। लेखिका का नाम डॉक्टर अनुराधा सक्सेना है। इस पाठ का सारांश और मौखिक प्रश्नों का उत्तर समझा चुके हैं, आज लिखित प्रश्नों का उत्तर समझाना है। तो पहला प्रश्न है, लिखित में विदेशियों के हिंदी के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हिंदी भाषा की अनेक फिल्म सर्वत्र खूब धूम मचाई है, इसीलिए विदेशियों को हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ा है। दूसरा प्रश्न है, कविता में हिंदी ने अपनी क्या क्या विशेषताएं बताई है, अपने शब्दों में लिखे। कविता में हिंदी ने अपनी निम्नलिखित विशेषताएँ बताई है, मेरा सीधा साधा रूप सबके मन को भाता है, मैंने सभी भाषाओं के शब्दों को अपनाया है, भारत के जनमानस से मेरा सदियों से पुराना नाता है और भारत के अधिकांश लोग इस भाषा को बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं अटल अडिग हिमालय से मुझे कोई डिगा नहीं सकता पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश का आशय है कि हिंदी भारत में आम आदमी की भाषा है और यह स्थित प्राचीन काल से ही है, अतः हिंदी अटल और अडिग हिमालय सी भाषा है जिसे कोई मिटा और हिला नहीं सकता है। और चौथा और अंतिम प्रश्न है, मेरी प्यारी हिंदी शीर्षक कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर संक्षिप्त में इस प्रकार लिखा जा सकता है, मेरी प्यारी हिंदी कविता मध्य हिंदी भाषा कहती है कि मैं भारत माता की मस्तक का चमकीली बिंदु हूँ और प्राचीन काल से ही जानी पहचानी भाषा हूँ। मीरा सूरदास और तुलसीदास ने इसी भाषा में उत्कृष्ट काव्य की रचना की है। इस भाषा में अगणित या अनगिनत लोकप्रिय फिल्म बन चुकी है। यह भाषा अधिकांश लोगों के मन को भाता है, अतः इस भाषा को कोई भी मिटा नहीं सकता है। यह भाषा लोगों में रचा भाषा है, इसीलिए ज्ञानवानी है, लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए भाग्यशालिनी है। इस प्रकार पाठ दस मेरी प्यारी हिंदी शीर्षक कविता का सारांश मौखिक और लिखित प्रश्नों का उत्तर समझा दिए हैं। अगले दिन से व्याकरण समझा